हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पोकी मिक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो गाइस, आज का जो वीडियो दैट इज़ एन अपडेट ऑन साड़ी शेपवेयर। येस, मैंने साड़ी शेपवेयर पे सबसे पहला वीडियो किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने पहली बार साड़ी शेपवेयर ट्राई किया था एंड आपको अपना फर्स्ट हैंड ट्राई ऑन ओपिनियन बताया था। बट उसके बाद मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई उस पर और करीब एक साल हो गया, आई थिंक एक डेढ़ साल वो वीडियो बनाया भी नहीं, आई थिंक 2 साल हो गए हैं, और तब से मैं साड़ी शेपवेयर बहुत ज़्यादा जो है पहन रही हूँ एंड आई थिंक उन क्वेरीज के लिए अब मैं रेडी हूँ। बहुत सारी क्वेरीज थी, जैसे कि हम मेघा साड़ी शेपवेयर में बैठ सकते हैं, या फिर मेघा क्या इससे टमी थोड़ा सा कम होता है मतलब दिखने में, या फिर क्या इसे हम भारी साड़ी के साथ पहन सकते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज थी, तो आई थिंक मैं अब रेडी हूँ आपकी इन सारे क्वेरीज का जवाब देने के लिए एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी जो क्वेरीज है रिगार्डिंग साड़ी शेपवेयर वो आपकी यू नो कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी एंड आपको जितनी नॉलेज चाहिए इसके बारे में आई थिंक वो मैं आपको आज दे दूंगी। सो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां मैं ऐसी बहुत सारी फैशन टिप्स, फैशन फोटोज डालती हूँ अपनी एंड शॉर्ट फैशन वीडियोस। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है परकी मेक्स, टू फॉलो मी देयर। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता है साड़ी शेपवेयर क्या होता है, तो बेसिकली ये शेपवेयर टाइप का एक पेटीकोट आता है रेडीमेड, जिसको आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं। ये व्हाइट, न्यूड कलर और बहुत सारे कलर्स में आता है, मेरे पास ये व्हाइट कलर में है एंड ये ना मेरी काफी साड़ियों में चल जाता है, मतलब दिखता नहीं है ये व्हाइट कलर, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। सो दिस इज द साड़ी शेपवेयर, इट इज फ्रॉम दिस ब्रांड क्लोविया। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जो मेरे पास है मैं वो आपको बता रही हूँ। ये ज़िवामे में भी आता है साड़ी शेपवेयर एंड ये जो है आई थिंक फ्लिपकार्ट पे आता है, आई एम नॉट श्योर, अमेजोन वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं, बट ये दो ब्रांड्स में, लॉन्जरी ब्रांड्स में ज़रूर आता है। सो इस तरह का ये साड़ी शेपवेयर होता है एंड वो जो वीडियो है फर्स्ट ट्राई ऑन वाला, जैसे मैंने डिटेल बताई है कि ये कैसा होता है पहन के दिखाया, वो मैं लिंक डाउन कर दूंगी। एंड इसके जो साइड में इस तरह का कट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, ऊपर से इसमें यू नो वो शेपवेयर वाला मटेरियल है जो टमी को थोड़ा सा वो कम करने वाला है, नीचे से ये इस तरह का पेंसिल स्कर्ट वाला नहीं होता, स्ट्रेचेबल इस टाइप का मटेरियल है, और क्योंकि चलने में दिक्कत हो सकती है तो आ साइड में इन्होंने ये कट दिया हुआ जैसे पेंसिल स्कर्ट्स में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ये पूरा इलास्टिकी स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ पेटीकोट होता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि रेडीमेड पेटीकोट काइंड ऑफ। लेकिन क्या ये पेटीकोट को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, आपकी सारी क्वेरीज जो है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेरी थी दैट इज कि मेघा क्या हम इसको पहन के बैठ सकते हैं, तो अगर बैठने के लिए आप मुझसे पूछेंगे क्या हम चेयर पे बैठ सकते हैं, इजिली आप इसको पहन के चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन क्या आप बोलिए कि हम नीचे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, तो नहीं, आप इसको पहन के नहीं बैठ सकते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप साड़ी में आलती पालती नहीं मार पाएंगे, बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, मैंने ट्राई किया है। सो जैसे हम किसी उसमें जाते हैं ना पूजा वगैरह में, उसमें नीचे बैठना होता है, तो आई थिंक उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आप रेगुलर पेटीकोट ही पहनिए उस पर्पज़ के लिए, ऐसा मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको जो भी बता रही हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का कुछ और हो। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, दैट वॉज मेघा क्या इसको हम भारी साड़ियों के साथ पहन सकते हैं। मैं बोलूँगी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इसको ओनली हल्की साड़ियों के लिए यूज़ कीजिए, हल्की साड़ियों के लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू वेयर है और कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना टाइट होता है पेट पे, अनकम्फर्टेबल वाला टाइट नहीं है, शेपवेयर वाला टाइट है, जैसे टमी टकर्स होते हैं तो उस तरह का टाइट है। तो धीरे से मैंने आपको एक यहाँ पे एक वीडियो दिखा दूंगी, जैसे मैं अपनी साड़ी शूट वाली जो साड़ी लुक्स वाली जो साड़ीज होती है उनके साथ यही पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी टू वेयर है एंड मुझे और पेटीकोट्स ढूंढने नहीं पड़ते थे, इसलिए मैं पहनती हूँ। बट अगर आप बोलेंगे कि इसको हैवी साड़ी से ज़्यादा पहन सकते हैं कि नहीं, मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होता है इसका जो इलास्टिकेटेड टाइप का जो बैंड है पेट पे, उसमें आई थिंक वो अगर भारी वाला आपका जो बॉर्डर है नीचे से, तो ये मुड़ सकता है, ये नीचे की तरफ मुड़ सकता है, जो पेटीकोट का अपने ट्रेडिशनल पेटीकोट्स का नाड़ा होता है वो नहीं मुड़ता है, क्योंकि उसका कपड़ा हल्का होता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको आप हल्की जो यू नो मॉडर्न टाइप की साड़ीज़ होती हैं, लाइट वेट, जैसे मैं तो लाइट वेट ही पहनती हूँ, बहुत हैवी नहीं पहनती, लेकिन जो ट्रेडिशनल हैवी साड़ीज़ होती हैं उनके साथ आई डोंट थिंक ये चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका पेट जो है वो मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था और मुझे ऐसा लगा कि उसका जो वेस्ट एरिया है वो बार बार मुड़ रहा है, ऐसा मुझे लगा। तीसरा जो क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा दैट इज किसको पहन के हम इजिली चल सकते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत चली चली चलने वाला कंफर्ट चाहिए या आपको चाहिए कि बहुत खुला खुला हो, ये ऐसा नहीं है, दिस इज लाइक अ पेंसिल स्कर्ट, तो पेंसिल स्कर्ट चलने में
जितना यू नो थोड़ा सा बंधन फील होता है ऐसा आपको इसमें पहन के फील होगा। इसमें साइड में कट जरूर है, तो ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं सकते, जैसे मैं इजीली घर में घूमती हूँ उसको पहन के जब मैं शूट करती हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि बहुत ही खुला हुआ आराम, तो हाँ चलने में थोड़ा सा बाउंडेशन हो जाती है, बिकॉज ये एकदम शेप देता है, टाइट है, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर आप बोलेंगे कि बहुत अनकंफर्टेबल है, तो मैं बोलूंगी नहीं, पर अगर आप बोलेंगे कि बहुत खुला खुला कंफर्टेबल फील होता है, तो वो भी नहीं है, इट इज समवेयर इन बिटवीन, थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि मेघा क्या ये टमी टकर की तरह काम करता है, तो मैं बोलूंगी कि टमी टकर की तरह उतना टाइट नहीं है ये पेट पे, पर ये डेफिनेटली टाइट है और आपको कोई शेप देता है, जैसे कि आपका पेट निकला हुआ है, तो ये पहन के साड़ी पहन के आपका पेट थोड़ा कम डेफिनेटली लगता है, बिकॉज इसमें आपको बताती हूँ इसका जो ऊपर वाला मटीरियल है दैट इज कम्प्लीटली लाइक जो हमारे टमी टकर्स का जो मटीरियल होता है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल वैसा मटीरियल है ये, सो इट इज़ लाइक दैट, तो डेफिनेटली आपको एक शेप देता है और थोड़ा सा टमी फैट डेफिनेटली कम लगता है इसको पहनने के बाद साड़ीज के साथ। ओके, पांचवा क्वेश्चन था कि क्या ये टाइम के साथ लूज हो जाता है, तो देखिए मैंने जो है इसको सिर्फ शूट्स में यूज़ किया है, मैंने प्रैक्टिकली बाहर जाके किसी शादी में अटेंड नहीं किया, बिकॉज आई थिंक इट्स टू रिस्की, ऐसा मुझे फील होता है, तो कम टाइम के लिए मैंने इसे यूज़ किया है, लेकिन मैं ये शेप फेयर आई थिंक तीन साल से यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुआ है, और मैंने कम से कम आई थिंक इसको कम से कम भी है 30-40 बार पहना है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फेस्टिव साड़ीज़ वगैरह सब में ये पहना है, तो ये डेफिनेटली लूज़ नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे इसको पहनेंगे तो मे बी ये लूज़ हो जाए लाइक टमी टकर्स, बट फिर भी टमी टकर्स भी बहुत टाइम तक चलते हैं अगर आप उसको डेली भी पहने, तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ बहुत लूज़ है, जल्दी से तो नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन कि क्या मैं इसे प्रेफर करूँगी अपनी साड़ी के साथ पहनने में, तो मेरा आंसर ये है कि जब मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पहनना है, जैसे कि अपनी शूट्स में वगैरह वगैरह में, तो डेफिनेटली मैं इसे प्रेफर करती हूँ और मैं इसे ही पहनती हूँ अपनी शूट्स में विद साड़ीज। लेकिन लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर शादी अटेंड करनी है या यू नो रात भर रुकना है एंड रात भर पहननी है या लंबे टाइम के लिए पहननी है, तो आई वुड नॉट प्रेफर दिस, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगता है पार्टी वेयर साड़ीज़ वगैरह के साथ थोड़ा रिस्की हो सकता है मामला, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का यू नो कुछ और हो, बट मेरा पर्सनल है कि फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मैं नहीं प्रेफर करती, बट छोटी ड्यूरेशन के लिए दिस इज डेफिनेटली गुड टू वेयर विद साड़ीज़। तो गाइज, ये थी आपकी कुछ क्वेरीज रिगार्डिंग साड़ी शेप फेयर, एंड आई होप आपकी अब क्वेरीज सारी शांत हो गई। अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, तो मैं वहीं पे आंसर करने का ट्राई करूंगी, बिकॉज इसका पार्ट 3 आई डोंट थिंक मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अब सब कुछ बता चुकी हूँ आपको साड़ी शेप फेयर के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए गाइज। यस, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट बिग थम्स अप, प्लीज उसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पोकी मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और ऐसी अगर आपको और फैशन टिप्स रिगार्डिंग इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर या यू नो रिगार्डिंग फैशन आपको कोई भी टिप्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं और भी कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, टू फॉलो मी देयर। तो बस मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।